रिश्ता पूछ रहे हैं। रिश्ता मेरा अमल के साथ क्या रिश्ता है? एहतराम का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। और मैंने कोई धोखा नहीं दिया, सजा तो तुम सबको मिलेगी। पता चल गया क्या रिश्ता है मेरा? चलो शाबाश राशि जी साहब, आप हुक्म करें, दोनों को यहीं खड़े खड़े खत्म कर दूं। जानते हो ये कौन है? ये मेरी फूफो का देवर है। इसने हमेशा मुझे हरास किया है और अब इस घर में भी ये मुझे सिर्फ तंग करने के लिए आया था। ये सब तो मैं पहले ही साहब को बता चुका हूँ, कोई नई बात बताओ। मुझे रेहान ने बताया भी था कि मैं इस चीटर इंसान पर एतमाद मत करूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये घटिया इंसान तुम सबको भी डसने में वक्त नहीं लगाएगा। और ज़हीन, अगर राशिद ने हम पर गोली चलाई तो जेल में तुम जाओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम सबके खिलाफ कंप्लेन करा चुकी हूँ। फिर तुम सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना। राशिद जाने दो इन्हें। साहब मैंने कहा ना जाने दो। तुम दोनों को तुम्हें अपने तरीके से निपटो, और एक बात याद रखना, तो छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों, नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ, दबाओ जाओ यहां से। चलो चलो अमल, चलो अमल। क्या हुआ अमल, तुम रुक क्यों गई? चलो मैं तुम्हें सोनिया आंटी के घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं वहां नहीं जा सकती। नहीं जा सकती मतलब? अगर तुम सोनिया आंटी के पास नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? पता नहीं, लेकिन मैं कासिम अंकल के घर नहीं जा सकती, उनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे देखकर फिर से गुस्सा करने लगे और मेरी वजह से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। अमल तुम गलत सोच रही हो, वो घर कासिम अंकल का नहीं, तुम्हारी मामा का भी है। प्लीज मुझे फोर्स ना करो, तुम एक काम करो, मुझे किसी होटल में ले जाओ, मैं कुछ दिन वहां रह लूंगी। होटल? क्या मतलब होटल में? तुम होटल में रहोगी? मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती रेहान। अमल क्यों नहीं जा सकती? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है, लेकिन प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। मैं इन हालात में तुम्हारे घर जाकर नहीं रह सकती। मुझे परेशान ना, मैं तुम्हारे लिए कमरा बुक करवा देता हूँ, चले। थैंक यू रेहान। ये सूप ले लीजिए, पी लीजिए, फिर मैं दवाई लेकर आती हूँ आपके लिए। क्या बात है, बीमार तो मैं हूं लेकिन तुम मुझे कमजोर क्यों लग रहे हो? मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप सूप पीजिए, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। सुने आप ना आपको। थैंक यू,
मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए और मुझे अच्छे जिंदा रखने के लिए। सूप पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, होटल के रूम में आ गए, तुम्हारी जिद पूरी हो गई। जिद नहीं है रेहान। जिद नहीं है तो और क्या है? तुम नहीं समझोगे, शहर है जो इस बात को। अमल मुझे फिक्र हो रही है, तुम यहां अकेले कैसे रहोगी? मैं रह लूंगी, और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, जैसे ही कोई घर या फ्लैट मिल जाता है मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। खैर तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे भी एक दो काम निपटाने हैं, मैं वो काम कर रहा था। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। और हाँ, ये दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और किसी को अंदर मत आने देना। क्या? ओके मिस्टर फिलोसोफर, लॉक रखूंगी, किसी को भी नहीं आने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। ओके, मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं। आप क्या देख रहे हो? रेहान, ये दोस्ती का रिश्ता, एहतराम का रिश्ता, यकीन का रिश्ता कभी खत्म तो नहीं होगा ना? कभी खत्म नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो मैं चलता। क्या हो रहा है राफी बेटा? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, तुम मेरे पास बैठना नहीं चाहते? नहीं अंकल, ऐसी तो बात नहीं है, आपको मेरा गेम्स खेलना नहीं पसंद ना, तो बस इसीलिए। अच्छा, तो तुम इसीलिए उठ के जा रहे थे? आओ बैठो। मैं? आओ बैठो यहाँ। दिखाओ कौन सा गेम खेल रहे थे। चलो ये बताओ कि तुम्हारी इसमें से फेवरेट गेम कौन सी है? कल इसमें तो बहुत सारी गेम्स हैं, लेकिन मुझे ये वाली बहुत पसंद है, द लॉस्ट सिटी। अच्छा, आपको पता है इस गेम में ना एक अंकल गुम हो जाता है, और जो अंकल गुम होता है ना वो अब तक सब कुछ लॉस्ट कर देते हैं उसमें, तो बस इसी गेम में हमें वो सब कुछ लॉस्ट हुई हुई चीजें दोबारा ढूंढनी होती हैं। राफी, कितनी बार बोला है यहां बैठ के गेम नहीं खेलोगे? मामा मैं तो वो, मैं तो क्या, जाओ जाके रूम में अपनी गेम खेलो, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करना है। सोनिया, राफी को मैंने बुलाया था अपने पास, मुझे इससे कुछ बात करनी थी, तुम खामखा में से डांट रही हो। आपकी वॉक का टाइम हो गया है, आपको डॉक्टर ने सख्ती से बोला है कि आपको वॉक लाजमी करनी है, चलिए चले मैं वॉक आइए चले। रेहान, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? पांचवा चक्कर है ये तुम्हारा। मैं यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हूँ, बताया तो है, तुम भी घर जाओ और जाके रेस्ट करो।
मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत जल्दी मुझे यहाँ से भेजने की, फिक्र मत करो मैं चला जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। और ये क्या है? ये कुछ सामान है, जल्दबाजी में काफी कुछ वहाँ छोड़ आई हो तो आई नो कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। ये जरूरी सामान है? आई नो तुम्हें टेडी बेयर के बगैर नींद नहीं आती, इसलिए ले आया हूँ। अब जल्दी से सही से सो जाना। थैंक्स। एक तो इस लड़की के थैंक्स से मैं तंग आ गया हूँ। मैं जानती हूँ बहुत तंग करती हूँ ना तुम्हें, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में आ गए। अब सेंटी होने की जरूरत नहीं। अच्छा वो हार्ड डिस्क और फाइल तुम्हारे पास है ना, संभाल कर रखी। हाँ सब पास है मेरे, लेकिन मुझे डर लग रहा है रहीन और दिलशाद बेगम, जितना मैं उनको जानती हूँ वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हर कीमत पर खुद को और अकबर को बचाने की कोशिश करेंगे और इन एविडेंस को हासिल करने के लिए भी वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो मर्जी कोशिश कर लें कभी भी तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकते, और ना ही उस फाइल तक और हार्ड डिस्क तक। सब कुछ महफूज है, तुम टेंशन मत लो। सोनिया आंटी से तुम्हारी बात हुई? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें ये सब कुछ। अमल आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए, आंटी को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें आंटी की। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखो। थैंक यू वंस अगेन। अमल, अमल तुम कहाँ गायब हो? कासिम भी घर पर आ गए हैं और तुम मिलने ही नहीं आई। मामा मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बात है? मामा मैंने दिलशाद बेगम का घर छोड़ दिया है। शुक्र है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा अब तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई है, घर पे आ जाओ ना। मामा आप बुरा ना मानिएगा लेकिन मैं कासिम अंकल के घर नहीं आ सकती। अमल तुम घर नहीं आओगी तो कहाँ जाओगी? ये बचपना छोड़ो, जिद मत करो। मामा प्लीज आप फिक्र ना करें, लेकिन आप जानती तो हैं कासिम अंकल के मिजाज को, उन्हें वहां मेरा आना जाना अच्छा नहीं लगता। अमल ऐसा मत करो, ऐसा हरगिज भी नहीं है। मामा कासिम अंकल ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उनका ख्याल रखने के लिए कहा है। सरासर स्ट्रेस उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहती, ना ही तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ। तुम कहाँ जाओगी? फिलहाल तो मैंने होटल का एक रूम लिया है, लेकिन बहुत जल्द कहीं रेंट पे शिफ्ट हो जाऊंगी। अमल तुम अकेली कैसे रहोगी? मैं कासिम से बात करती हूँ। मामा मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरी मामा की ढेर सारी दुआएं, सब ठीक हो जाएगा। अमल मुझे यकीन है वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। मामा प्लीज, वैसे भी आपको पता है ना कि पापा का केस रीओपन हो रहा है, बहुत जल्द हियरिंग्स भी शुरू हो जाएंगी, बहुत काम करना है मुझे यहाँ पर, अपने पापा पर लगे हुए सारे इल्जामात होने हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मामा सिर्फ दुआ करें, दुआ करें कि हम ये केस जीत जाएं। खुदा हाफिज़।
कोर्ट ने हमें 2 महीने का वक्त दिया है, हमें मजीद एविडेंस चाहिए होंगे। आज की पहली पेशी के हिसाब से ये तमाम सबूत नाकाफी थे। अगर अकबर को जेल भिजवाना है तो हमें और मेहनत करनी होगी, और ये सब काम हमें नेक्स्ट हियरिंग से पहले करना हो। मैम, इस केस में मैं अपनी जान भी दे दूंगी। मैं हर हाल में पापा के मुजरिमों को पकड़वा के रहूंगी। अगली पेशी पे हम अपना पहला गवाह पेश करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत को देखकर मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि दिलशाद बेगम की अपने शौहर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश बहुत जल्द नाकाम होगी। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। हम गवाह कहाँ से लाएंगे, और वो भी इतनी जल्दी? अकबर ने इतनी चालाकी से सारे सबूत मिटा दिए हैं, सब मिले हुए उसके साथ। रिहान, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलो मैं तुम्हें लंच करवाता हूँ, कुछ खा लेते हैं, वहां बैठ कर बात करते हैं। आओ। अमल अशफाक, कैसी लगी हेयरिंग? मजा आया? अब शिकस्त का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। शाबाश। तुम्हें क्या लगता है, अकबर शहवार की इस तरह मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा कर तुम उन्हें बचा लोगे? ऑफ कोर्स बचा लूंगा भाई, डैड है मेरे, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? तुमने देखा नहीं अंदर कैसे उन्हें दोबारा जिंदा किया हमने? क्योंकि डैड की अभी बहुत जरूरत है हमें। बात पता है क्या है? हमारा झूठ बिक गया और तुम्हारा सच खरीदने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें सच बेचना नहीं आता। सो सैड। ज़हीन मत भूलो तुम कहां खड़े हो। ओ, तुम तो चुप ही रहो। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हराम। और मैं रिहान, इसे बोलने दो। शरीफ बनकर घूमने वाला ड्रामा ये लोग जो करते हैं ना, बहुत जल्द इन सबको बेनकाब करने वाली हूँ मैं। और मिस्टर ज़हीन, किसकी क्या औकात है, बहुत जल्द ये सबके सामने आ जाएगा। I will see you guys. चलो। क्या बात है अमर, किन सोचों में घूम रहे? रेहान, पापा को फंसाने वाला मास्टरमाइंड अकबर था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो उसने जरूर की होगी। उसने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे हम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उन लोगों ने यह सब बहुत सफाई के साथ किया है। मैं जानती हूँ, लेकिन ये खुदा का कानून है। मुजरिम चाहे जितना भी शातिर, जितना भी चलाक क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जिससे वो पकड़ा जाए। सुलकरनैन, महाजबीन और अकबर ने भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होगा। हमें बस वो सबूत ढूंढना है। क्या हुआ, किसे कॉल कर रही हो? एक मिनट। हेलो खादिम हुसैन, मैं अमर बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए मिलना है। आज रात ही जी, मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप आ जाइएगा। खुदा हाफिज़। अमल, तुम ये खादिम हुसैन से क्यों मिलना चाहती हो? वो भी राशिद की तरह धोखेबाज ही है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी रेहान, बस थोड़ा सा वेट कर लो। और इस बार वो हमें धोखा नहीं देगा,
डोंट वरी। ठीक है, तुम खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है, काफी देर हो गई है। तुम भी आओ ना। तुम शुरू करो। कल रात में बहुत डाउन था, अपने आप को मैंने एक नाकाम इंसान डिक्लेयर कर दिया था। नहीं तैमूर, तुम बिल्कुल भी नाकाम नहीं हो। इनकी रिपोर्ट क्लियरली बता रही है कि इनका ट्यूमर बहुत बड़ा है और इस ट्यूमर को ऑपरेट करना इससे बड़ा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर साहब। पूरी कोशिश के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं सके। बाय द वे, ये आग खिचड़ी पे करिए मेरे बगैर यहाँ। एक बात मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस मरतबा अगर आपने मुझे किसी चक्कर में फंसा कर हमें उलझा कर निकलने की कोशिश की ना, तो हम आपकी बैंड बजा देंगे। मुंह उठा के मेरे ही घर में मुझे ही आके धमकी दे रहे हो, क्या समझ रहे हो अपने आप को? ये धमकी नहीं है इरशाद बेगम, एंड माइंड इट, अपने कारनामों का जहर मुझ पर डालने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस मर्तबा मैं भी मुड़कर डस्ते में देर नहीं करूंगा। और हां, याद रखना, ना तो मैं अशफाक हूं ना खालिद भट्ट, मेरा नाम फारूक शेख है, फारूक शेख, और मैं बदला लेना जानता हूं। वैसे भी ये अकबर और मैजबीन मुझे पहले धोखा दे चुके हैं। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया, वो तुम दोनों जो मुझे और खालिद बट को छोड़कर बाहर चले गए थे, तुम्हें पता है उन इन्वेस्टिगेशंस को झेलने में हमें कितनी मुश्किल हुई, कुछ अंदाजा है आपको? अंकल प्लीज, इस वक्त हम सबको लड़ना नहीं चाहिए बल्कि मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। हम एक ही कश्ती के सवार और जिस तूफान का सामना है उसका नाम है अमल। अगर हम एक साथ होकर मुकाबला ना कर पाए ना उसका, तो वो तूफान हमें ले डूबेगा। एग्जैक्टली, जहीन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अमल इस वक्त अंधेरे में तीर चला रही है, उसे चलाने दो। वो अशफाक सर को कभी भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी, और वैसे भी अशफाक साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, कौन सा किसी को कुछ आके बता देंगे। लिसन, जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलता हूं। तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है माजबीन, लेकिन मेरे पास तो मेरी फैमिली है ना, मेरी जान पे और मेरी रेपुटेशन पे बनी हुई है, और लोग बातें बना रहे हो। खैर कुछ नहीं होता, कूल डाउन। मुझे ब्लेम मत करें आप, ये सारा का सारा प्लान आपके हस्बैंड का बनाया हुआ है, मैंने तो सिर्फ उनका साथ दिया था। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया माजबीन, वो लड़की हमें ललकार के गई है कि अगली पेशी पर हमारे खिलाफ सबूत लेकर आएगी, न जाने कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ेगी वो। अब फॉर्म, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, प्लीज रिलैक्स। मेरे बिजनेस मेरे लिए सब कुछ है जहीन, मैंने बड़ी कड़ी मेहनत की है इसे हासिल करने के लिए, मैं किसी और के किए की सजा नहीं भुगत सकती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम ये बता भी नहीं सकते कि अशफाक के साथ तुमने कौन कौन से ब्लंडर्स किए थे, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी तुमने। अगर सचमुच में अमल के हाथ कोई सबूत लग गया ना जहीन, इससे तो कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। मुझे बस डर है कि सब कुछ छिन ना जाए मुझसे। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ ना, तो सबसे लातालुकी का ऐलान कर दूंगी, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। मैं
लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया है आपको? आप अपने हस्बैंड को जानती नहीं है? अकबर साहब ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था, इसमें गलती तो हो ही नहीं सकती, फिर कैसे कोई सबूत किसी के हाथ लगेगा? हाँ हाँ, आई होप सो। देखा तुमने कैसे अकबर की बीमारी का बहाना बनाकर उसे छुपा दिया गया है? अगर अकबर ही अदालत में नहीं आएगा तो केस कैसे आगे बढ़ेगा? अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी, किसका गिरेबान पकड़ूंगी? देखो अमन, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। जिन लोगों ने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली, मैं कैसे छोड़ दूं उन्हें? I'm sorry मामा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। देखो मैं तो यही कहूंगी, अमल एक बार फिर सोच लो। इस बार मैं डर के आंखें नहीं बंद कर सकती। जिसने जो बोया है अब उसे काटने का वक्त शुरू हो गया है। और मामा, अकबर जितना भी भाग ले इस बार बच नहीं पाएगा। ये लो, रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। मुझे इनकी जरूरत नहीं है मामा, शुक्रिया। कैसे जरूरत नहीं होगी, होटल में रह रही हो, कमरे का किराया देना होगा, लॉयर की फीस होगी। मैं सिर्फ कासिम की बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ, रख लो ये। जानती हूँ मैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, मैं वही यूज कर रही हूँ। झूठ कह रही हो तुम, कहाँ से आई तुम्हारे पास सेविंग्स? एक्चुअली मैंने अपनी शादी की सारी ज्वेलरी बेच दी, और फिर रेहान भी तो है मेरे साथ, इस होटल के रूम की पेमेंट उसी ने किया है। तुमने रेहान से पैसे क्यों लिए? मुझे कहा होता, मैं हूं ना। प्लीज रिलैक्स मामा, आई प्रॉमिस जैसे ही हालात कुछ बेहतर होते हैं मैं रेहान को उसके सारे पैसे वापस कर दूंगी। फिलहाल बस एक रूम की तलाश है, कोई घर किराए पे मिल जाता है तो मैं जॉब भी शुरू कर दूंगी। एंड आई प्रॉमिस मामा, प्लीज भी मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। बेटी अपनी माँ पर बोझ नहीं होती। जानती हूँ। अच्छा ये बताओ, रेहान की बहन कहाँ है आजकल? शादी के बाद वो कहीं अब्रॉड शिफ्ट हो गई है। क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रही थी। अमल मुझे लगता है रेहान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। देखो अगर उसने जीना मरना तुम्हारे साथ ही है ना, तो ये जिद छोड़ दो और ज़हीन से खुला लेकर मैं तो कहती हूँ रेहान से शादी कर लो। इतना क्यों सोच रही हो? माँ हूँ तुम्हारी, क्यों ना सोचूं? और मुझे लगता है कि रेहान ही है जो तुम्हें संभाल सकता है। फिलहाल मैं कुछ नहीं सोचना चाहती मामा, मेरा सारा फोकस इस वक्त सिर्फ पापा के केस पर है। अमल ने मुझे बताया है कि तुमने जिस तरह से अमल का साथ दिया,
तुमने अपनी नौकरी भी उसके लिए दांव पर लगा दी। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मेरा फर्ज था। और वैसे भी नौकरी का क्या है, आने जाने वाली चीज, ये जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। जिस तरह अमल अकेली खड़ी है उन हालात में तुमने उसका साथ दिया, मेरे लिए तुम्हारे एहसान से कम नहीं है बेटा। बेटा भी कहती है और दूसरे पल पर आया भी कर देती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस अमल का साथ दे रहा हूँ, हमेशा उसके साथ खड़ा। रेहान बेटा, ये पैसे रख लो, मैंने अमल को देने थे, लेकिन तुम्हें तो उसकी आदत का पता है, बहुत जिद्दी है, उसने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया है, तो तुम उसे दे देना। मेरे पास अमल पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप प्लीज ये पैसे रख। और आप अमल की फिक्र मत करें, अमन मेरी जिम्मेदारी, जब तक मैं हूँ उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। और बहुत जल्द उसके फ्लैट का बंदोबस्त भी हो गया, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँगा। क्या? मैं जानता हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि मेरे होते हुए आपको अमल की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तसल्ली से घर जाएँ, आराम कर, अमल के साथ मैं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अमल को संभाल लोगे, बस बेटा अमल का ख्याल रखना। वैसे भी ये मेरा फर्ज है और मेरा आप लोगों के अलावा है ही, मेरी जिंदगी तो आप लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अमल की जहीन से जान छूट जाए ना, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कर पा दो। अच्छा बेटा, मुझे इजाजत दो। जी। अल्लाह हाफिज़। मकबूल, मकबूल। जी साहब, बुलाया आपने, याद किए। ये झूला कौन लेकर आया, सोनिया आंटी लेकर आई हैं क्या? नहीं नहीं, साहब ने मुझसे कहा था कि ये मैं आपके कमरे में रख दूं। ठीक है, जाओ। जी सर। वासिल बेटा, बेटा पापा से इतना नाराज हो के मुझे देखना तक नहीं चाहते। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अपनी इज्जत और आराम में कभी तुम्हारी खुशी को समझा ही नहीं। तुमने एक अच्छे बेटे होने की जिम्मेदारी पूरी की, अगर मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। पापा ऐसा मत कहिए। नहीं, कहने दो मुझे। जानता हूं मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गवा दिए इस प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी नहीं दे सका, कर्जदार हूं मैं तुम्हारा, हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। मैं तुम्हारा बचपन फिर से देखना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, हर उस लम्हे को महसूस करना चाहता हूँ जो मैंने गवा दिया। मैं तुम्हारे बच्चे के साथ सब कुछ एंजॉय करना चाहता हूँ। जाओ, हानिया को वापस ले आओ। थैंक यू पापा।
थैंक यू जी, बाय। थैंक्स रेहान, तुमने मेरे कहने पर इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा फुली फर्निश घर अरेंज कर दिया। मैंने तुमसे अपने लिए जॉब के लिए भी कहा था, तुमने मेरे लिए कहीं बात की? जॉब भी हो जाएगी, ऐसी भी क्या चलती है। और वैसे भी तुम्हें अभी केस पे फोकस करना चाहिए, और तुम्हारी ऐसी जिद्दी लड़की जॉब कर भी नहीं सकती। मजाक उड़ा रहे हो मेरा, इतना एम्बैरेस करने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये क्या है? ये जिया आंटी ने वेडिंग गिफ्ट दिए थे, तुम प्लीज इन्हें सील कर दो, मुझे कुछ सामान चाहिए तो। इन्हें बैग में वापस रखो, अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हें जो भी चाहिए बस हुक्म करो, आ जाएगा। शान, तुम्हारे ऑलरेडी मुझ पर बहुत एहसानात हैं, मैं मजीद तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, इतना आदि मत बनाओ मुझे अपना। तुम मत बनो, पर मुझे तुम्हारी आदत है, मेरा सब कुछ तुम ही हो अमल, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। तुम जानती हो अमल, जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, पर मैंने कभी भी अपने गमों का हिसाब नहीं लिया, लेकिन अपने रब से हमेशा तुम्हारे लिए खुशियां मांगता रहा। मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूँ अमल, बहुत तकलीफ होती है मुझे तुम्हें रोता देखकर, लेकिन अब नहीं। और अगर आज किस्मत मुझसे ये सब करवाना चाहती है तो प्लीज मुझे मत रो। ओके बाबा, नहीं रोकती। तो मुझे लिस्ट बना कर दे, सब आ जाएगा। ओके बनाते हैं, पहले जाकर सामान सेट कर लूं।